अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान साइंस क्लब में खुश आमदीद। आज का हमारा प्रोजेक्ट है वेंडीग्राफ जनरेटर। वेंडीग्राफ जनरेटर बेसिकली एक ऐसी जनरेटर है जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के काम आता है। इस जनरेटर को जो है बनाना जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको बहुत आम सी चीज़ों से हम इसको अपने घर में, अपने लैब के अंदर, स्कूल में, कहीं भी हम इसको बना सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है या वेंडीग्राफ जनरेटर है, ये जो हमने बनाया है इसके अंदर कौन कौन सी अशिया हमने इस्तेमाल की हैं। तो अगर आप जनरेटर के ऊपर फोकस करें तो जनरेटर में आप देखेंगे कि ये पीवीसी, इसका जो स्ट्रक्चर है मेन पीवीसी पाइप से बना हुआ इसका स्ट्रक्चर है, और इसकी बेस को हमने टी के साथ जो है ज्वाइन करके, पीवीसी पाइप हाफ इंच की जो पाइप है उसको ज्वाइन करके बनाया है। और इसके साथ एक हमने तकरीबन 20 वॉट की एक एसी मोटर हमने इसके रूलर को ड्राइव करने के लिए जो है इस्तेमाल की है। और इसके साथ इसका जो रूलर है वो हमने हाफ इंच के पीवीसी पाइप से बनाया है, और इसका जो बड़ा रूलर है इसको हमने तकरीबन ये 2 इंच के इसका डाय है, इसका 2 इंच है, ये 2 इंच का रूलर है। और ये जो बेसिकली ये बुनियादी तौर पर ये फिक्स है यहाँ पर, इसको मूवेबल हमने नहीं बनाया। और इसके ऊपर सिंपल हमने टॉप पे जो है पीवीसी पाइप के, बड़े पीवीसी पाइप 4 इंच के पाइप को काट के हमने लगा दिए ताकि इसके ऊपर हम स्टील के पॉट को इसके ऊपर रख सकें। तो ये तो था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसके मज़ीद थोड़े से इसके अंदर मज़ीद एडवांस थोड़ा बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो अब आप इसके बेस पे देखें तो बेस पर हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से हमने बहुत से जो वायर्स निकलती हैं उसका एक ब्रश बना दिया है, और उस ब्रश को हमने इसकी बेस पर जो है रूलर के नीचे हमने सेट कर दिया है ताकि यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से ग्राउंड हो सके। और उसके साथ ये जो रूलर है, ये रूलर सिंपली जो है हाफ इंच पीवीसी पाइप का है, प्योर पीवीसी पाइप, जो कि डायरेक्ट मोटर की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। और उसके साथ यहाँ पर ब्लैक कलर का जो आपको बेल्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक टेप है जो आम मार्केट में हार्डवेयर की शॉप से मिल जाती है, ये मिल जाती है। और ये इसका जो साइज़ है वो 2 इंच इसका जो है वो कहते हैं डाया है, इन 2 इंच इसकी चौड़ाई है इस टेप की। और इस टेप को हमने डबल, जिन कह लें कि दोनों लेयर को मिलाकर ज्वाइन करके जो है पूरा एक बेल्ट हमने बना दी है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं टॉप पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 इंच का हमने एक और पीवीसी पाइप यहाँ पर फिक्स किया है। और फिक्स करने का मकसद ये है कि जब बेल्ट इस पर चलेगा तो इसके साथ जो रबर, जो प्लास्टिक, ये कह सकते हैं ये जो हमारा प्लग इलेक्ट्रिक टेप है, इसके साथ इसकी फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन से जो है यहाँ पर स्टैटिक चार्ज जो है प्रोड्यूस होगा। इसी तरह इस पर आप देख सकते हैं कि कुछ वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, सेम हमने जो इलेक्ट्रिक वायर है उसके अंदर से मज़ीद छोटे छोटे वायर्स, कॉपर वायर्स को हमने एक ब्रश की टाइप का बना लिया है, वो भी इसके नज़दीक हम इसके साथ टच कर रहे हैं ताकि यहाँ जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होगा वो हम इस वायर के ज़रिए कलेक्ट कर सकें, और हम अपने पॉट, जो स्टील का पॉट है उसके, स्टील के पॉट के अंदर जो है हमने इसको सेट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो ये है कि इस टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया है एक स्टील रॉड से। और स्टील रॉड से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर कह सकते हैं, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इससे पे पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोड्यूस हो रहा है। और इस तरह से जब हम इसको चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके दौरान डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इस रॉड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा है कि वेंडीग्राफ जनरेटर जो जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो 2 चीज़ें हैं, एक इसका मटेरियल और दूसरा है इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमिडिटी। अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा है तो ये काम करना बंद कर देता है, अगर ये 50% या 50% से नीचे है तो इसकी जो वर्किंग है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और तकरीबन कह लेंगे 10% ह्यूमिडिटी के ऊपर इसकी जो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आपको वाजे तौर पर इसके जो स्पार्क है वो आपको दूर तक जो है दिखाई देंगे। दूसरा इसका मटेरियल है, मटेरियल जो यहाँ पर हम 2 यूज़ करेंगे, 2 डिफरेंट नेचर के होने चाहिए। जैसे एक
इलेक्ट्रिक टेप है, इसकी नेचर और पीवीसी पाइप दोनों की जो नेचर है वो डिफरेंट है। इस वजह से जब आपस में ये फ्रैक्शन के दरमियान होती है तो चार्ज क्या है, कैसे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और चार्ज जो है अपने अलग अलग पोल्स के ऊपर जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इसका चार्ज स्टोरेज, कह सकते हैं चार्ज स्टोरेज कंटेनर कह सकते हैं, ये चार्ज स्टोरेज बॉल कह सकते हैं। ये बेसिकली स्टील की बनी होनी चाहिए और राउंड स्ट्रक्चर हो, इसमें कोई शार्प एजेस ना हो। यहाँ पर बिल्कुल राउंड जो है मिलना मुश्किल थी, तो हमने एक पोर्ट जो है बड़ा पोर्ट स्टील का, प्योर स्टील का, वो हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और ये सिंपली हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये वायर के साथ, कंडक्टर वायर के साथ इसके साथ टच हो जाएगा और सारे चार्ज इसमें, इसके ऊपर तमाम जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको जो है टेस्ट करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो मैं इसको ऑन करूँगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने पे देखें ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो मुझे हाथ से थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ेगा ताकि एक दफ़ा जब इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। इसमें एक और प्रॉब्लम जो है यहाँ पर चलने के दौरान जो होती है, जब हम इसको चलाते हैं शुरू में जो ये स्ट्रक हो जाता है, तो उसमें ये कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एक लेयर से बनना हो जाती है गंदगी की, या कैसे ऑयल की लेयर बनना शुरू हो जाती है, इस वजह से ये इसके साथ स्टिक हो जाता है। और लेकिन जब इसको एक दफ़ा चलना शुरू हो जाता है तो ये कंटिन्यूसली जो है ये काम करता है। तो अभी जैसे मैं चला चुका हूँ तो अभी मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर जो मेरे बाल हैं वो, अगर आपको कैमरे में शायद नज़र आ रहा हो तो मेरे बाल जो हैं बाजू के वो खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसको अब मैं आपको इस तरफ करता हूँ, तो यही जैसे इसके अंदर मैं नज़दीक लेके जा रहा हूँ तो इसके जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको मैं फील कर सकता हूँ। और इसी तरह एक अगर उसको मज़ीद वाज़े तौर पे देखना चाहें तो हमें एक बल्ब को यूज़ करना होगा। ये बल्ब आमतौर पर आयरन, जो आयरन होती हैं आयरन में इंडिकेटर के तौर पर ये यूज़ होता है, न्यून बल्ब कहते हैं। अगर इस बल्ब को आप इसके करीब लेके जाएंगे तो ये आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा। लाइट्स शायद आपको कैमरा नज़र ना आ रहा हो, लाइट्स ऑफ करके हम इसको देखते हैं। ओके यस, अब देखें कि इसको जैसे इसके करीब लेकर आता हूँ तो आपको ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा कि ये रेड लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और ये यहाँ पर भी आपको शो होगी, ये आपको इतनी दूर से भी शो होगी, और जैसे दूर करते जाएंगे तब भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इतनी दूर भी इसका जो स्टैटिक चार्ज है वो यहाँ तक इसकी रेंज में आ रहा है, और जैसे इसको करीब करेंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं। इसका एक और भी है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किस हिस्से पे जो है स्टैटिक चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम देखा कि इसके जो बिल्कुल टॉप पर स्टैटिक चार्ज है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हमने इसके जो ब्रशेज हैं, ब्रश जो कॉपर वायर के जो ब्रशेज बनाए थे, वो ब्रशेज को हमने इसके बिल्कुल टॉप पर रखा है ताकि मैक्सिमम चार्ज को हम कलेक्ट कर सकें। तो आइए अब हम इसके ऊपर जो है जो बड़ा सा बाउल है इसको हम रख के देखते हैं इसके ऊपर। और अब मैं इसको आपके सामने चला के दिखाता हूँ, करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो यार सारा चार्ज यहाँ पर आके स्टोर हो चुका है, और ये यहाँ पर हमें फील भी हो रहा है, नज़र भी आ रहा है, इसका साउंड भी हमें वाज तौर पर सुनाई दे रहा है, और इसका जो स्पार्क है वो भी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। और इसको मज़ीद अगर देखें तो आप देखें कि पेपर स्ट्रिप को अगर इसके नज़दीक लेकर आते हैं तो इसकी अटैक कर रहा होगा, जैसे मैं इसको डिस्चार्ज करूँगा वापस चला जाएगा। अब जैसे इस स्ट्रिप के नज़दीक लेकर आएंगे तो आप देखेंगे डिस्चार्ज हो जाएगा, और जैसे नज़दीक दूर ले जाएंगे इसको डिस्चार्ज करेंगे तो वाज़े तौर पर फील होगा स्टैटिक चार्ज को पैदा होते हुए। इस प्रोजेक्ट में शुरू में अगर आप इसको बनाएंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसमें पेश आ सकती हैं, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कौन सा सूटेबल मटेरियल इसमें यूज़ किया जाए। दूसरा, इसका रोलर्स को जो है इसके रोलर का बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और तीसरा ये कि मोटर कौन सी इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आपके पास एसी मोटर नहीं है तो आप कोई सी भी
ऐसी डीसी मोटर यूज़ कर सकते हैं जो कि जिसकी आरपीएम तकरीबन 1000 आरपीएम हो, जिसका कम से कम 1000 आरपीएम हो। और ये मोटर आमतौर पर आपको इलेक्ट्रिक जो छोटे डीसी फ़ैन आ रहे हैं 12 वोल्ट के, वो फ़ैन की मोटर भी आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो है आप अगर ये आपका प्रोजेक्ट काम ना करे तो इस दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक ये देखिएगा जिस कमरे में आप काम कर रहे हैं, ओपन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो उस वक्त वहाँ में हवा के अंदर जो नमी का तनासब है वो क्या है। अगर हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ये सही काम नहीं करेगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इसको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। दूसरा ये है कि दोनों टर्मिनल्स, जैसे मैं बता चुका हूँ कि इस स्टील रॉड के जो ब्रश है इसकी बिल्कुल बेस पर होना चाहिए, और इसका जो स्टील के जो बाउल का जो कनेक्टिविटी है जिस वायर के साथ है वो भी बिल्कुल उस जो रूलर है रूलर के टॉप पर होना चाहिए, तब ये प्रॉपरली काम करेगा। आई होप कि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। मज़ीद साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए pagacy.org/pk। इसके अलावा अगर आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कुछ पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान साइंस क्लब की ऑनलाइन कम्यूनिटी ज्वाइन कीजिए। कम्युनिटी का एड्रेस है pagacy.org/community। पाकिस्तान साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ आप सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इसके ज़रिए आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। थैंक यू।